हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रजनी, आपकी दोस्त और आपकी डेंटिस्ट। और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल गो विद स्टारलाइट के अंदर। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके लिए हर दूसरे इंसान के मन में जो है डाउट रहता है कि हमें ऐसा कौन सा टूथपेस्ट है जो सबसे बेस्ट होता है, जो हमें यूज़ करना चाहिए और जिसको यूज़ करके जो है हम अपने दांतों की समस्याओं को जो है दूर कर सकते हैं। तो मेरे बहुत सारे YouTube सब्सक्राइबर्स और बहुत सारे मेरे पेशेंट्स ने जो है मुझसे कमेंट करके पूछा है कि मैडम, हमें कौन सा टूथपेस्ट जो है यूज़ करना चाहिए जो सबसे बेस्ट है, जिसे यूज़ करके जो है हम अपने दांतों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपना ओरल हाइजीन जो है मेंटेन रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी कि कोई भी एक टूथपेस्ट जो है वो बेस्ट नहीं होता हर किसी के लिए कि एक ही टूथपेस्ट है ये सबसे बेस्ट है और जो सब लोग यूज़ कर लेंगे। नहीं दोस्तों, क्योंकि हर किसी की जो है ओरल कंडीशन अलग होती है, हर किसी के दांतों की कंडीशन अलग होती है, हर किसी के मसूड़ों की कंडीशन अलग होती है। तो उसी के बेसिस पे जो है हमें अपना टूथपेस्ट जो है चूज़ करना चाहिए। और जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया के जो है पानी में किस टाइप के केमिकल्स जो है, किस टाइप के मिनरल्स अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग भी जो है हम अपना पेस्ट जो है सिलेक्ट करते हैं। तो आपको अपना टूथपेस्ट जो है सिलेक्ट करने में बहुत ही आसानी रहे, इसी के लिए इस वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, मैंने जो है इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के सारे टूथपेस्ट को जो है अपने अकॉर्डिंग जो है 6 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है किड्स टूथपेस्ट, दूसरी कैटेगरी है केमिकल टूथपेस्ट, तीसरी कैटेगरी है हर्बल टूथपेस्ट, चौथी कैटेगरी है सेमी हर्बल या फिर सेमी केमिकल भी बोल सकते हैं हम, फिफ्थ कैटेगरी जो है वो है वाइटनिंग टूथपेस्ट, सिक्स्थ कैटेगरी जो है वो है हमारी सेंसिटिव टूथपेस्ट, जो आप आज की डेट में जो है सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किड्स टूथपेस्ट के बारे में। दोस्तों, जो भी मार्केट में टूथपेस्ट अवेलेबल होते हैं, जनरली क्या करते हैं, जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं एडल्ट के लिए, जो टूथपेस्ट लेकर आते हैं वही टूथपेस्ट जो है हम बच्चों को यूज़ करने के लिए दे देते हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं उन्हें पता नहीं होता है और वो जो है उस टूथपेस्ट को जो है स्वेलो कर जाते हैं। अगर वो टूथपेस्ट को स्वेलो कर लेंगे, जितने भी ये टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल है, मोस्ट प्रोबेबली जो है उनके अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है और वो केमिकल जो है बच्चों के अंदर जाकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक ये बच्चे जो है अच्छी तरह से ब्रश करते टाइम जो है स्पिट करना ना सीख जाए, तब तक जो है हमें किड्स टूथपेस्ट जो अवेलेबल है मार्केट में वही यूज़ करने चाहिए, जिसके अंदर जो है बच्चों के जो ग्रोथ टाइम होता है, बच्चों के दांतों के जो ग्रोथ टाइम चल रहा होता है, उस टाइम पे जो है हमें बहुत सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि हमारे दांतों को जो है ग्रोथ करने के लिए कौन से मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये पेस्ट बनाए गए होते हैं कि हमें जो है इसके अंदर जो फ्लोराइड लेवल जो है बहुत ही मेंटेन रहता है अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस, ठीक है दोस्तों। और जो अडल्ट टूथपेस्ट होते हैं उसमें अडल्ट के अकॉर्डिंग जो है फ्लोराइड लेवल रखा जाता है। तो ये तो हो गई हमारे किड्स टूथपेस्ट की बात। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो है केमिकल टूथपेस्ट की तरफ। केमिकल टूथपेस्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें क्या होता है, जो केमिकल टूथपेस्ट होते हैं हमारे दांतों को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, हमारी सांसों को जो है फ्रेश करने में हेल्प करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे दांतों को जो है ब्राइटन करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आगे मैं ये बोलना चाहूँगी, जो केमिकल टूथपेस्ट होते हैं इसमें बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो मिले होते हैं। इसमें एक बहुत ही जो है कॉमन केमिकल जो है जो मिला होता है, जिसका नाम है सोडियम लायोरल सल्फेट। सल्फेट के नाम से आप समझ ही गए होंगे कि आजकल जो है हर ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। तो टूथपेस्ट के अंदर ये चीज़ जो है डाली गई होती है। ये चीज़ आप कभी नोटिस करेंगे, जो हमारे हैंड वॉश होते हैं उसके अंदर भी डाले जाते हैं, जो हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए उसके अंदर भी डाले जाते हैं। तो सोचिए, जो ये चीज़ जो इसके अंदर डाली गई है वो अगर हमारे अंदर धीरे धीरे अंदर जाती रहे पेट के अंदर, तो कितनी सारी बीमारियाँ को जो है वो क्रिएट कर देगी। तो इसीलिए जो केमिकल टूथपेस्ट जो है यूज़ करना बहुत ही फ़ायदेमंद तो होता ही है, साथ के साथ हमें इसे बहुत ही सावधानीपूर्वक जो है वो यूज़ करना चाहिए। और मार्केट में जो है बहुत सारे केमिकल टूथपेस्ट जो है अवेलेबल होते हैं, जैसे कि कॉलगेट हो गया आपका, पेप्सोडेंट हो गया, उसके बाद क्लोजअप हो गया, इवन जो है मिसवाक जो
टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये जो है हर्बल टूथपेस्ट है, पर दोस्तों आप इस डाउट को अपने अंदर से क्लियर कर दीजिए कि वो हर्बल टूथपेस्ट है, वो भी एक टाइप का जो है केमिकल टूथपेस्ट ही है। इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स जो हैं डाले गए होते हैं। तो केमिकल्स टूथपेस्ट के जितने फ़ायदे होते हैं, अगर उनको सावधानीपूर्वक यूज़ नहीं करेंगे तो उनके कुछ नुकसान भी होते हैं। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने हर्बल टूथपेस्ट की तरफ। हर्बल टूथपेस्ट जो होता है हमारा, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो काम करता है, एक तो दांतों को क्लीन करने का काम करता है, हमारी सांसों को जो है फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है। लेकिन जो केमिकल जो टूथपेस्ट काम करते थे कि हमारे दांतों को ब्राइटन करते हैं, वो हर्बल टूथपेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो केमिकल नहीं डाला गया होता है, कोई ब्लीचिंग एजेंट जो है नहीं डाला गया होता, जिसकी वजह से जो है ये हमारे दांतों को ब्राइट नहीं करते हैं। तो दोस्तों आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि भाई हम हर चीज़ जो है हर्बल यूज़ करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके सोचते हो कि भाई हमें तो अपने दांतों को ब्राइट भी करना है और हर्बल चीज़ भी यूज़ करनी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो है आप स्विच कर सकते हैं सेमी हर्बल या सेमी केमिकल टूथपेस्ट की तरफ। तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको, हर्बल टूथपेस्ट बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। जैसे जो मोस्ट कॉमनली जो मार्केट में रखे होते हैं वो होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया मामाअर्थ का भी आता है, पतंजलि का आता है, फिर अपना वीको वज्रगंधी का आता है। ये सारे जो टूथपेस्ट हैं ये सारे हर्बल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सेमी हर्बल है सेमी केमिकल की तरफ। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें कुछ एक मात्रा में केमिकल भी मिक्स किया जाता है और कुछ एक मात्रा में जो है हर्बल चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं, जिससे क्या होता है इसमें हमें केमिकल जो टूथपेस्ट होते हैं उनका भी बेनिफिट मिल जाता है और जो हर्बल टूथपेस्ट होते हैं उनका भी बेनिफिट मिल जाता है। तो इसके अंदर मैं जो है बताना चाहूँगी कि आपको जो कोलगेट वेद शक्ति है, जो इसी कैटेगरी के अंदर आता है, इसके अंदर जो आप हर्बल टूथपेस्ट जो दांतों को ब्राइट नहीं करता है, लेकिन इसी चीज़ के लिए जो है अगर आप कोलगेट वेद शक्ति यूज़ करेंगे तो दोनों चीज़ का बेनिफिट मिलेगा आपको, दांतों को ब्राइट भी करेगा और जो है आपको हर्बल टूथपेस्ट से जो फ़ायदे होते हैं वो भी आपको साथ में इसके मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो है हम आगे बढ़ते हैं अपने वाइटनिंग टूथपेस्ट की तरफ। जो वाइटनिंग टूथपेस्ट होते हैं इसके अंदर ऐसा एब्रेसिव एजेंट्स डाले जाते होते हैं जो हमारे दांतों को, जो हमारे दांतों का पीलापन है उसको कुछ एक शेड तक जो है लाइट कर देता है, एक दो शेड्स तक लाइट कर देता है। इसमें जो है जो लोग सोचते हैं कि भाई हम वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं कुछ ऐसा मैजिक हो जाएगा और हमारे दांत एकदम सफ़ेद हो जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा कोई मैजिक नहीं होता है। ये बहुत ही स्लो एंड नेचुरल प्रोसेस होता है। इन टूथपेस्ट को जब आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ करेंगे तब उसके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन कुछ एक लिमिटेड टाइम तक ही यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप यूज़ करते रहें। अगर आप इन टूथपेस्ट को जो है वाइटनिंग टूथपेस्ट को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करेंगे तो उससे जो है आपको नुकसान ये होगा कि जो एब्रेसिव एजेंट्स जो होते हैं हमारे दांतों की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं, वो घिसती चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर की जो डेंटिन और सीमेंटम रूट की तरफ जो लगी होती है वो दोनों लेयर जो है एक्सपोज हो जाती हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, हमें जो है सेंसिटिविटी फील होने लगती है, कुछ भी ठंडा गर्म हमें बहुत ज़्यादा लगने लगता है। तो दोस्तों ऐसी जो चीज़ है उसकी प्रॉब्लम ना आए इसके लिए जो है एक लिमिटेड टाइम तक ही जो है हमें ये टूथपेस्ट जो है यूज़ करने चाहिए। जितने भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार यूज़ किया और हमें लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना है, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हमने स्टार्ट किया है तो कुछ एक टाइम के बाद हमें इस चीज़ को इंटरप्ट करना चाहिए, देन कुछ महीनों के बाद फिर से हम शुरू कर सकते हैं इसकी तरफ। चलिए, इस वाइटनिंग टूथपेस्ट की बात जब चली रही है तो मैं आपको बता दूं मार्केट में जो बहुत सारे वाइटनिंग टूथपेस्ट जो अवेलेबल हैं, जैसे हमारा ग्लोडेंट हो गया, कोलगेट के बहुत सारे वाइटनिंग टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, पेप्सोडेंट के बहुत सारे वाइटनिंग टूथपेस्ट जो है वो अवेलेबल हैं। तो आप कोई सा भी टीप वाइटनिंग जो है टूथपेस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मैं आगे आपको बताना चाहूँगी सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में, सेंसिटिव टूथपेस्ट के बारे में। सेंसिटिव टूथपेस्ट जो होते हैं वो क्या होता है कि जनरली जो है कि काफ़ी टाइम के बाद जो है लोगों को जो हमारे दांतों की जो सबसे ऊपर की लेयर जो मैंने आपको बताई इनेमल होती है वो धीरे धीरे घिसनी शुरू हो जाती है और हमारे अंदर की जो लेयर है वो दिखने लग जाती है, जो थोड़ी सी येलोइश कलर की होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर जो डेंटाइल ट्यूबुल्स जो होते हैं, डेंटाइल ट्यूबुल्स समझ लीजिए कि जैसे कि हमारे दांतों में एक बहुत ही बारीक सी नसें होती हैं वो एक्सपोज होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है हमें झंझनाहट होती है दांतों में, कुछ भी ठंडा खाएंगे कुछ भी गर्म खाएंगे हमारे दांतों में लगना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए जो होता है जो सेंसिटिव टूथपेस्ट बहुत सारे मार्केट के अंदर अवेलेबल है,
ये सेंसिटिव टूथपेस्ट क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं, धीरे धीरे जितने भी जो डेंटाइल ट्यूबल्स जो एक्सपोज हो रखे हैं उनको जो डिसेंसिटाइज कर देते हैं, उसके बाद आपकी जो सेंसिटिविटी धीरे धीरे जो है ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी इस ये सेंसिटिव टूथपेस्ट को भी बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं करना चाहिए, कुछ एक लिमिटेड पीरियड तक ही यूज़ करना है, उसके बाद जो है इंटरप्ट करके फिर आपको फिर नेक्स्ट टाइम से जो है इसको यूज़ करना शुरू करना है, फिर आप स्विच कर लीजिए कुछ टाइम के लिए अपने नॉर्मल टूथपेस्ट की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई अपने सेंसिटिव टूथपेस्ट की बात। जो सेंसिटिव टूथपेस्ट हैं बहुत सारे मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जिनके फ़ायदे आप ले सकते हैं, जैसे सेंक्यूल एफ हो गया, अपना थर्मोसिल आरी हो गया, देन सेंसोडाइन के काफ़ी पेस्ट अवेलेबल हैं आपके पास, कोलगेट के भी काफ़ी पेस्ट अवेलेबल हैं आपके पास, तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारे पेस्ट यूज़ कर सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, तो ये सारे जो है सारी कैटेगरीज जो हो गई हैं आपकी, और ये सारी कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग आई होप आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी कि आप जो है अपने अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट टूथपेस्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको ये पता नहीं होता है कि हमें किस क्वांटिटी में जो है पेस्ट यूज़ करना है। वो सोचते हैं कि भाई चलिए हम ब्रश करते हैं, बहुत ज़्यादा पेस्ट यूज़ करेंगे तो भाई हमारे दांत जो हैं बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे। तो दोस्तों जो किड्स होते हैं उसके लिए जो है हमें सिर्फ इतना सा ही पेस्ट यूज़ करना है, बहुत ही लिटिल बिट सा उनके लिए इतना यूज़ करना है। एडल्ट्स होते हैं बहुत सारे क्या करते हैं, पूरे के पूरे ब्रिस्टल्स के ऊपर जो है पेस्ट लगा देते हैं। ऐसा लगाने से तो भाई आप कंपनीज का ही फ़ायदा कर रहे हो, आपका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। जितना आप ज़्यादा वो पेस्ट यूज़ करो उतने केमिकल्स आपके अंदर जाएंगे, कुछ ऑब्जर्व्स हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों बहुत ही थोड़ा सा जो है आपको पेस्ट लेना है, और पेस्ट का जो है जनरली क्या काम होता है कि वो आपके दांतों को क्लीन करने के काम आता है। लेकिन जो अगर आपके दांतों की ब्रशिंग टेक्निक, जो आप ब्रशिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं अगर वो प्रॉपर नहीं है तो फिर जो है कितना भी पेस्ट ज़्यादा यूज़ कर लो वो साफ़ नहीं होते हैं। तो इसीलिए क्या है कि जितनी अच्छी ब्रशिंग टेक्निक से आप जो है ब्रश करेंगे तो उस टाइम क्या होता है कि ब्रशिंग टेक्निक का जो यूज़ करने का तरीका होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसके कंपैरिजन में पेस्ट का रोल जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो दोस्तों हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप उसको यूज़ करिए और आप उसके फ़ायदे उठाइए। तो दोस्तों मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, और आपको इस चीज़ के लेकर के अगर और भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और मैं इन सारी प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स से लेकर के जो है वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियोज़ बनाती रहूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।